Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर सुबह जैसे ही उठी आई गॉट अ सुपर सुपर बैड न्यूज़. बहुत ही मेरा मूड ख़राब हो गया एक्चुअली. जो ड्रेस मैंने स्कायू के लिए ऑर्डर किया था एंड इट वॉज सपोज टू बी डिस्पैच फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे और मुझे अब तक मिल जाना चाहिए था. टुडे इज फ्राइडे, कल शादी है सैटरडे को. एंड मैंने उनको फ़ोन किया तो पहले फ़ोन नहीं लगा पाते. जब फ़ोन लगा शी टोल्ड मी कि ड्रेस अभी तक बनी ही नहीं है. तो आई वाज लाइक, मुझे लगा कि मुंबई से है. एंड देन शी वाज लाइक, नहीं मैं दिल्ली से हुआ. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँगी? आपने मुझे बताया भी नहीं. अगर मैं उनको फ़ोन नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलता कि उन्होंने ड्रेस नहीं बनाया. सो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन. तो अभी मुझे स्काई के लिए स्पेसिफिकली जाके ड्रेस ढूंढना पड़ेगा और वो एक स्पेसिफिक कलर का होना चाहिए, बिकॉज स्कायू जो है निकिता की शादी में फ्लावर गर्ल है. यू नो लाइक, एक छोटा सा बास्केट देते हैं, लुक्स वेरी क्यूट, शी जस्ट वॉक इन द चर्च फॉर लाइक 2 minutes. तो अभी आई एम लाइक, मैं लास्ट मिनट कहाँ जाके ढूंढूँ. सो टुडे द प्लान ऑफ एक्शन इज़ कि सबसे पहले मैं निखिल का बैग सूटकेस पैक करूँगी फॉर हिज US ट्रिप, बिकॉज कल मैं थक जाऊँगी, पूरे दिन बिजी रहूँगी तो टाइम तो नहीं मिलेगा. और परसों आई बी वेरी टायर्ड. सो लाइक आज मैं सारा का सारा जो निखिल का काम है, जो पैक करना है बैग का, वो ख़त्म कर दूँगी. सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू गेट अ ब्रेक ऑन संडे, बिकॉज फिर निखिल भी जा रहा है तो आई विल बी रियली लाइक वेरी सैड ऑल्सो. पर मेरी मॉम ने कॉल करके बोला कि जो रिसेप्शन के लिए मैंने एक ड्रेस सिलाई थी ब्लैक वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्वेंस वाली, तो हमारे टेलर जो है उनके कज़न ब्रदर ऑफ हो गए गाँव में, तो वो चले गए. तो मुझे बोलते हैं कि आपका ड्रेस नहीं बनने वाला. सो लाइक मैं क्या करूँ? सो थैंक गॉड दैट मैंने साड़ी का ऑप्शन रखा था. सो आई एम गोना प्रॉब्ली वेयर द साड़ी टू द चर्च एंड दूसरा गाउन टू द रिसेप्शन. बट बहुत कन्फ्यूजन है यार, दिमाग मेरा जो है खराब हो रहा है. बट आई एम लाइक, डोंट लेट इट अफेक्ट यू, इट्स ओके. लुक एट द कांड, ये क्या है? ये इसने बेसिकली ये वाला पाउडर का डब्बा खेल रही थी, मैं नीचे रखा, फटाक से वो पलटी किया. ये हमने इधर से लिया था, पेरिस से. और इतना अच्छा पाउडर है ना, कनाडा से लिया था ये, वॉलमार्ट. कनाडा से लिया था? Are you sure कनाडा से लिया था? कनाडा से लिया था, when we had gone, when she was 8 months old. बट लिखा सब फ्रेंच में, बट ठीक है. तो फ्रेंच तो लिखता है वहाँ पे यार सब कुछ, सब प्रोडक्ट पे. हाँ, तो मैं मुझे लगता है पेरिस से लिया था हमने. पेरिस से ये नहीं लिया था, वो लिक्विड लिया था जिससे उसका फेस क्लीन करते हैं, बिकॉज़ उसको रैश आ गया था, याद है? स्काई क्या खुशी मिलती इसको सब, यही सब अतरंगी चीज करने में मजा आती है. और कभी कभी हम जो है अलाउ कर देते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी कैन नॉट कीप सेइंग नो टू हर. घर पे निखिल के पास तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मतलब बाहर डाइनिंग टेबल पे उसने अपना सेटअप करके रखा है. इनिशियली ये रूम में जो विंडो के पास है हमने टेबल बनाया था फॉर मी एंड निखिल टू सिट एंड वर्क, बट अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. आफ्टर स्काई केम, बिफोर स्काई केम इनटू आवर लाइफ्स, पूरा घर जो है खाली होता था, लाइक इट्स लुक एम्प्टी. एंड जब से स्काई आई है, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड नो मैटर हाउ मच मेस वी ट्राई टू क्लीन, या जितना मेस ऑर्गेनाइज करते हैं फिर से मेस हो ही जाता है. आई थिंक इट्स जस्ट थोड़े सालों की बात. आई थिंक इट इज़ इन एवरी फैमिली जिसके घर में एक छोटी बेबी है, 2-3 साल के लिए सिचुएशन ऐसा ही होता है. सो ये जो स्काई का चेंजिंग स्टेशन है, ऊपर देयर इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस जिसमें यू कैन कीप योर लैपटॉप एंड मेक इट लाइक अ वर्क स्पेस. तो आई रियली लाइक दिस रूम बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट कमिंग. और आई वाज लाइक, चलो ठीक है ना, मैं यहाँ पे अपना सेटअप बना देती हूँ. और निखिल को ये सेटअप इतना अच्छा लगा कि निखिल बोलता है, शैनस वाह यार, क्लीन है, क्लीन. मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेटअप, मैं भी यहाँ पे बैठ के एडिट करूँ क्या, यू नो. नहीं, ऑनेस्टली क्वाइट लाइक दिस फ्रेम है, मतलब अपने ही घर को, अपने ही रूम को कोई दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते ना तो बहुत अलग लगता है. और ये मैडम ड्रामा कर रही है बिकॉज इसको चाहिए पाउडर. नो पाउडर, सॉरी. नहीं बेटा, हर चीज ड्रामा करके नहीं मिलेगी, सॉरी. अभी ये देखो भाई साहब, हमारे घर में क्या चल रहा है. ये जो ड्रेस है स्काई को पहनने का जो कोशिश चल रही है, लेकिन स्काई को आ रहा है ये लूज. अभी क्या करे भाई साहब, क्या करे स्काई. और स्काई अभी फुल ऑन मूड में, मेरे को नहीं पहनना. एन अपडेट, स्किटू का ड्रेस लेने गए थे हम लोग को शूज़ और सॉक्स मिल गए बहुत अच्छा वाला, लेकिन ड्रेस मुझे जो है नहीं मिला अभी. एंड मैंने जो दुकानदार है उनसे बात किया, बिकॉज उनका एक दूसरा दुकान भी था जिसमें सिर्फ पार्टी वेयर ड्रेस मिलती है बेबीज़ की, तो उन्होंने बोला उसमें ज़रूर होगा कुछ ना कुछ जो आपको कलर में चाहिए. सो कल सुबह आई हैव टू रीच मलाड एट 11:30 बिकॉज निकिता के कैमरा मैन, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स सब आ रहे हैं उसको शूट करने के लिए. एंड आई हैव टू स्टार्ट विद हर मेकअप. एंड लाइक मैं बोल नहीं सकती, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है एंड मुझे इतनी
ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही है बिकॉज निकिता हैज़ ट्रस्टेड मी विथ हर मेकअप फॉर हर बिग डे. एंड मैं कब से एक्चुअली अपने दिमाग में बस सारा मेकअप प्रोडक्ट्स रीचेक करी थी कि मैंने सब लिया कि नहीं लिया, उसके स्किन के साथ क्या बेस्ट जाएगा. एंड ऑल्सो आई वॉज लाइक प्रैक्टिसिंग फुल डे. मैंने इतने सारे ब्राइडल मेकअप वीडियोज़ देखे दैट हाउ टू गेट द परफेक्ट टेक्स्चर ऑफ योर स्किन एंड हाउ टू गेट द परफेक्ट ब्यूटिफुल सटल मेकअप ब्राइड लुक फॉर योर वाइट वेडिंग. तो इट वॉज़ लाइक अ क्रेजी थिंग. मैं कब से बस सीख रही थी ना, आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि भगवान मेरे हाथ को ब्लेस करना कि मैं सबसे अच्छा मेकअप लुक ऑफ माय लाइफ क्रिएट करूँ उसके ऊपर. जितनी अच्छी मैं अपनी शादी पे लग रही थी चर्च वाले, उससे भी कई अच्छा वो लगे कल जब मैं उसका मेकअप करूँ. आई वॉज लिटरली प्रेइंग लाइक सो मच राइट नाउ बिकॉज आई हैव दिस मिक्सड फीलिंग्स. आई एम इमोशनल बिकॉज आई कॉन्ट बिलीव दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड. सेकेंड आई जस्ट वॉन्ट कि उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया तो उसका मेकअप अच्छा रहे. एंड आई होप कि कल सुबह कैसे ना कैसे करके स्कायू का जो ड्रेस है वो मिल जाए तो फुल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा. बट एनी वेज आई लीव इट टू गॉड. आई ऑलवेज से कि जो होना होता है वो हो जाएगा. सो आई ट्रस्ट गॉड विथ हिज प्लान एंड आई नो कि गॉड हमेशा एंड यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है. सो आई नो इट विल गो एज आई प्लान इट टू बी. बेटा सो जाओ, कल जल्दी उठना है सुबह. ओ स्कायू, मैडम कल मासी का शादी है. नहीं मजे दुनिया में, डिनर करके हो गया ना, सो जाओ अभी. चलो चलो स्कायू. मैं पिछले दो घंटे से उठ के नहा धो के स्कायू का पूरा बैग रेडी करके दिन के लिए एंड पूरा जो हमारा सामान है पैक करके रेडी हो गई. और अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले निखिल को उठाया कि प्लीज़ तू अभी उठ जा और रेडी हो जा बिकॉज आई वॉज लाइक मैं पहले पूरे रेडी हो जाती फिर उनको जितना नींद मिलना है उतना मिलने दो. बट थैंक गॉड दैट इवन आई स्लेप फॉर गुड 6.5 आवर्स. सो आई एम फीलिंग फ्रेश एंड एक्टिव एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और अब एक्चुअली थोड़े से लेट भी हो चुके ऑलरेडी. हैव टू be in Malad ASAP at the hotel and abhi I'm going to try my last luck for the dress in the shop for 5 minutes. dekhte hain milta hai ki nahi milta hai. Kai ko hum seedha utha ke leke aaye to bechare ki neend abhi khuli hai. Shila ye kya hai? But usko gaadi mein rakhte na to bahut excited ho jati ki kahan ja ka rahe hai aaj. Beta tere ko hotel mein mila denge hum to chal abhi. थैंक गॉड हम 12:09 पे पहुँचे यहाँ पे गलेरिया में पवई में. एंड वी वेंट इन एंड हमको 10 मिनट में ड्रेस मिल गई. पर एक ही प्रॉब्लम है, जो ड्रेस पसंद आई वो थोड़ी सी लंबी है स्काई के लिए तो उसको मैं ट्रिम करा दूंगी. पर मेरी मम्मी लिटरली अपना ब्यूटी पार्लर में रेडी होकर छोड़ के खुद भी मलाड स्टेशन गई है स्काई के लिए ड्रेस लेने के लिए. और उन्होंने भी 2 ड्रेस लिए स्काई के लिए. तो अभी देखेंगे स्काई कौन से में बेस्ट लगेगी और वो यूज़ कर लेंगे. बाकी सब किसी को गिफ्ट कर देंगे. स्काई थोड़ी जो बड़ी हो जाएगी तो पहन लेगी. यू गाइस यू नो जब भगवान पे छोड़ दो भगवान ऑलवेज डज थिंग्स इन योर फेवर. यूनिवर्स डज थिंग्स इन माय फेवर ऑलवेज. आई नो दैट. बाल चल रहा है, अभी मैं मेकअप स्टार्ट कर दूंगी. इतना परेशान कर दिया निकिता ने मुझे कॉल कर के कि जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ. 11:30 इज नॉट पॉसिबल विद द किड. यू आर लेट नाउ, यू गेटिंग मैरिड आफ्टर यू बिकम अ मदर. देन यू लेट फॉर द मास. यू जस्ट सी स्मैशेस लग रहे हैं. नो दैट दे ब्रिंग द हेल्प इन द रेस्ट. डन स्टिल हो रहा है. अभी तक आई मैनेज लीव इट. तो निकिता के बाद मैं अपना खुद का मेकअप कर रही हूँ. इतना हल्ला बुल्ला चल रहा है गाइस. एंड आफ्टर माय फेयरवेल इन 10th स्टैंडर्ड आई थिंक इट्स बीन 10 इयर्स और 12 इयर्स. आई डोंट नो. आई एम वेयरिंग अ साड़ी आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड आई लव इट. मेरी मम्मी की साड़ी है ये ब्लाउज, मैंने नया खरीदा. एंड लेट मी नो हाउ यू गाइस लाइक द लुक. लेट मी गेट रेडी फर्स्ट. थैंक यू. आई हैव नेवर डन माय मेकअप दिस फास्ट. Oh shit, my brush mommy. जैसे ही बोला वैसे ही. Brush. We are completely ready. और मैं अपना lens जो है फटाफट मैं भूल गई हूँ तो मुझे lens. ये बटन दबाना पड़ता है इधर. हमारा building का lift नहीं है. ऊपर चली जाएगी वरना. तो मुझे लेंस जो है अपना नई है और मेरे को चश्मा पहन के अभी चर्च में रीड करना पड़ेगा. पर दिस इज माय सारी लुक. आई लव इट गाइस. मैंने अपना पहली बार मेकअप जो है 5 मिनट्स के अंदर किया है. बट आई एम लविंग माय लुक. आई एम लविंग दिस सारी आफ्टर सच अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. आई थिंक इट लुकिंग वेरी नाइस. एंड वी आर लेट सुपर लेट. मास जो है 4 बजे चालू होने वाला है. उसके पहले मुझे जाके प्रीस्ट से मिला था बिकॉज आई एम रीडिंग समथिंग ऑन निकिता'स वेडिंग. एंड लिटरली 3:56 हो गया. मेरी मम्मी बोलती है फादर तेरे लिए 1 मिनट नहीं रुकने वाला है, तू बेटर गेट योर एस एंड कम हियर फास्ट. सो लाइक मैं आ रही हूँ, मैं क्या करूँ यार. मैं उसका मेकअप करते करते मैं जितना जल्दी कर सकती थी कर लिया. और स्काई भी सो गई, उसको फ्लावर वॉक करना था.
It's okay, but that's okay. Sky was a baby, so that's fine. But I need to be there. So I'm super nervous, super scared. And I'm just like excited also. Can I go home and marry you? व्लॉग कर रहा हूँ, वो शैनिस गई है तो कुछ रीडिंग करने के लिए। शादी हो गई है और अभी फोटोशूट चल रहा है एंड लिटरली निकिता का फेस जो ऑयली हो गया और सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं शादी में कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। किसने बोला था मेरे शादी करने हो? वही तो है, पकड़ उसको। Can you see? ये पागल हो गई, बोलती मेकअप निकाल दूँ क्या? निकाल दे, फेस वॉश लाओ दुल्हन के लिए। फेस वॉश इसका मेकअप दिखा रहा है। सो गाइस देखो, दिखा फेस, दिखा, इतनी प्यारी लग रही है और बोलती है मेकअप पूरा निकाल दूं क्या, गाड़ी में लेके छोड़ी। गाइस लिटरली मेरी बैंड बज गई है सारी पहन के, इसने सारी नहीं पहनती मैं। नहीं बट अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। तो इधर ही है। हम लोग फाइनली जो है पहुंच गए वेन्यू में। पीछे पूरा डेकोरेशन चल रहा था, हम रूम जा रहे हैं बिकॉज निकिता का सनसेट शूट हो रहा था, ब्राइडल शूट, तो काफ़ी अच्छा हो गया। एंड दिस इज द ड्रेस गाइस दैट आई एम वेयरिंग। आई जस्ट हैव टू वेयर लेंस, बट ये ऐसा ड्रेस है, मुझे पता है राइट नाउ माई बॉडी, आई एम स्टिल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ, बट आई वॉज लाइक यू नो वॉट, जो भी है जैसा भी है, अ स्पेशल ओकेजन डिजर्व्स मी टू वेयर अ स्पेशल ड्रेस। तो मेरी मम्मी ने इतने प्यार से मेरे लिए बनवाया था ये, सो वाज लाइक व्हाई नॉट। और यहाँ पे बीच एक्सेस है, इसलिए निकिता और टाइन ने ये जो है जगह फिक्स की थी शादी के लिए। आज मेरी नानी देखो फुल हीरोइन लग रही है, एकदम 70s 60s की हीरोइन। सो गाइज अभी निकिता का लुक जो है चेंज हो रहा है और मेरे जीजा जी का भी मैंने लुक जो है रिफ्रेश कर दिया है। जीजा जी बोलना पड़े, कितने जीजा जी है मेरे यार, बाकी सब छोटे हैं। किसी ने एक और दो शादी कर ली तो लोग क्या समझे नहीं, लोग आप लोगों को समझा ही नहीं। आई होप एक डाले वीडियो डालना जो मैंने बोला। नहीं नहीं, दिस इज द रिसेप्शन लुक। ये वाली ड्रेस जो मेरी मम्मी ने सिलाया है फोर्स फोर्स करके, एंड दिस इज माय फ्रेंड डायलन। एंड डायलन हाउ आर लुकिंग, आर लुकिंग गुड इन दिस? ऑसम यार। ओह सारी वाज बेटर, बोथ आई थिंक सारी वाज बेटर बिकॉज़ आई सॉ यू इन सारी फॉर द फर्स्ट टाइम। And you can see Nikita's makeup pura I love this kar diya hai aur Nikita ko ye acha lag raha hai, very nice, and with red lipstick because Nikita wanted red lipstick and pura iska foundation I had taken it out
because after shooting on the beach bahut zyada ho gaya tha, but she's looking fabulous. Stand up. Nice. And appreciation, Nikita's dress is so gorgeous. और यहाँ पे मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों को पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं इस खटिया का और सो रहे हैं. और टाइम दे अंकल सा ऑडियो. व्हाट आई वांट टू आस्क यू समथिंग. यू आर नाउ माय जीजा जी. व्हाट डज दैट मीन? ब्रदर इन लॉ. अच्छा ब्रदर इन लॉ. एल्डर ब्रदर इन लॉ. माय हिंदी थोड़ा स्मॉल ब्रदर इन लॉ. बट एल्डर हो गया ना. हां एल्डर हो गया पता है. हिंदी थोड़ा बकवास. हां चलेगा. बड़ी बहन का पति बड़ा जीजा जी हो गया. हां बराबर. समवन जो कभी भी एक रेड आउटफिट नहीं सेलेक्ट कर सकती हो खुद के लिए. रेड इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स बट माई मॉम वॉज लाइक रेड 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 रेड. तो मैंने कहा रेड रेड इट इज. एंड अच्छा हुआ कि मैंने और रीना ने कोऑर्डिनेट करके चर्च में साड़ी फिर यहाँ पे गाउन पहना. एज न्यू मदर्स वी फील कॉन्शियस वी शुड ऑलवेज मैच. They're doing a special entry. मुझे इसमें बिल्कुल भी इन लोगों ने भाव नहीं दिया तो मैं बाहर से रिकॉर्ड करूंगी. चैनल का कैमरा टेक ओवर कर लिया मैंने. मेरी मम्मी एक्स्ट्रा नाच रही है बिकॉज़ मेरी मम्मी लाइक फाइनली 10 साल मेरी बेटी ने परेशान किया मुझे फाइनली शादी कर रही है. शादी के बाद और परेशान करेगी. और मेरे डैडी बहुत खुश होकर नाच रहे हैं. अभी दोनों रोमांटिक हो जाएंगे फिर से. Meera Fora, Janelle De Souza. Everybody! To a beautiful girl, Sky. And is also a good friend to Time. And they have known each other since 2013. So I can't think of anyone better than... Pretty woman, walking down the street. Now, come on, go! So thank you, Tyne, for coming into our life. You make her happy. Whenever she comes home after meeting you, she looks like super duper happy. Celebrate it and let's celebrate their love. Cheers, guys. Cheers. Cheers. She has been a math and a science teacher in the secondary section for 4 years. Did you all know that? Yes. Any of the students here? No? Okay. She's also been a cabin crew with Jet Airways in the past. She loves eating delicious food and traveling. You can see that smile always. Make some noise for all of you, everybody. Handsome groom who works for a media advertisement firm. He's a post grad and has completed his MBA in marketing. He's a football fanatic, guys. Do you, any football fans out here? Do you all know his favorite club? Yeah, that's right. Okay, and he loves meeting new people. Really? Yeah? He's a bit shy, but he loves meeting new people. What he said just now was presenting Olivia and Tyan, but I would say Olivia and Tyan Tercato for the first time. Sunshine. Tyne, you can go on your knees now. And hold the kiss, hold the kiss, hold the kiss, hold, hold, hold the kiss, kiss. Hey, Nikki, where are you going? He's tired, they're tired, they're tired. Come close. Hold the kiss, hold the kiss. Hold the kiss, hold, hold. Hold, hold, hold. Hold, 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 hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, and 1, everybody! फाइनली हम घर आ गए. एंड आज का दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा था. 10 दिन जी लिया साथ में एंड फाइनली
निकिता इज मैरिड, सब अच्छा हुआ, मॉम डैड भी बहुत खुश है, दोनों बेटियाँ शादी हो गई है, एंड फाइनली गो होम, गेट रिड ऑफ दिस ड्रेस, टेक अ शावर एंड गो टू स्लीप. टुडे ऑल आई नीड टू डू स्लीप. एंड शादी जैसे ही खत्म हुआ, एक्चुअली शादी जब बाकी था लास्ट वाला, ये निखिल का चप्पल पहन के घूमी हूँ मैं वहाँ पे बेशर्मो के तरह, बिकॉज आई वाज लाइक मेरे पैर में दुख रहा, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ. But whatever, this was a very very beautiful day. Thank you so much for watching this vlog, and I hope कि आपको देख के बहुत अच्छा लगा हो. This was a very personal family vlog. तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि हम हमारे साथ ही हो. So thank you so much for watching. I will see you guys in the next one. Leave lots of your blessings for Nikita and Time.